हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, क्या आप अपने कीबोर्ड थीम पे अपना फोटो लगाना सीखना चाहते हो? नहीं। सीख लो भाई, काफी इजी ट्रिक है। शायद इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना ना पड़े और ये दिखने में काफी अमेजिंग भी लगने वाला है, तो आपको जरूर से एक बार इसे लगा के देखना चाहिए। okay. अगर आप भी अपने कीबोर्ड थीम पे अपना फोटो लगाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए बिना देर के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। टेंशन मत लीजिए, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आपको सर्च करना होगा जीबोर्ड। सर्च करने के बाद आपको ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा और ये एप्लीकेशन सभी के फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल रहता है, आपको इसे इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। अगर ये अपडेट मांगेगा तो आपको इसे अपडेट कर लेना होगा। उसके बाद आपको अपने होम में वापस आ जाना होगा और कोई भी मैसेजिंग ऐप को ओपन करना होगा, या फिर आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो जहाँ से आप कुछ टाइप कर सकते हो। तो चलिए मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक स्पेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसे प्रेस करके रखना होगा। जैसे आप इसे प्रेस करके रखोगे आपको जीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको जीबोर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना होगा जिसे आप लगाना चाहते हो। तो चलिए मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद आपको नीचे में एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप इसका ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आपको नीचे में डन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और नीचे में आपको की बॉर्डर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो इसे एनेबल कर सकते हो, और अगर ये एनेबल होगा तो आप इसे ऑफ कर सकते हो। ये ऑफ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ऑफ रहने देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे में अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना होगा। तो गाइस, आप देख सकते हो मेरे कीबोर्ड थीम पे फोटो सेट हो चुका है। इस तरह से आप भी अपने कीबोर्ड थीम पे अपना फोटो सेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।